तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिन ऑयल। पीएफसी के स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो बहुत जबरदस्त तेजी बनता हुआ दिख रहा है। ये पीएफसी का शेयर दोस्तों कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और जो टारगेट प्राइस दिया था ऑलमोस्ट वो भी हिट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर पीएफसी का शेयर देखते हैं तो यहाँ पे जो है जबरदस्त तेजी बना रहा है, तो इसमें क्या अभी स्टॉक और तेजी बना सकता है, तो वीडियो में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं पीएफसी के शेयर को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिन ऑयल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जो कंटेंट पाने के लिए। करते स्टॉक की बातें दोस्तों, पीएफसी का जो ये शेयर है इसमें अगर देखते हैं तो कुछ दिन पहले एक डिविडेंड का भी अपडेट आया था, तो डिविडेंड को जो है फिलहाल इन लोगों ने जो है यहाँ पे जो अपडेट आया था, तो हो सकता है कि बाद में यहाँ पे एक डिविडेंड जो है इंटरिम डिविडेंड पीएफसी की ओर से दिया जाए फिलहाल। और अभी यहाँ पे देखते तो एक दिन के अंदर जो है पीएफसी के शेयर में 0.1% का जो है एक रिटर्न देखने को मिला है और एक हफ्ते के अंदर 4.3% का इसने गिरावट दिया, 1 मंथ के अंदर 3.9% का जो यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बात करते दोस्तों अभी यहाँ पे जो इसको पीएफसी के शेयर को है इसको एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फिलहाल अभी कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है। इसका जो ड्यूरेबिलिटी है 70 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन जो है 71.20 है आउट ऑफ 100 एंड मोमेंटियम जो है 72 है आउट ऑफ 100। बहुत ही बढ़िया शेयर है, बहुत ही बढ़िया इसने रिटर्न दिया है। फंडामेंटली बात करते हैं पीएफसी का दोस्तों, तो कंसोलिडेटेड जो इसका रिजल्ट आया था Q3 का, आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू में 2.3% का जो जंप देखने को मिला था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते 1081.7% हुआ था एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते 8.4% हुआ था। EBITDA की बात करते दोस्तों 8.3% हुआ था एंड यहां पे बात करते नेट प्रॉफिट की, जहां पे 7.8% के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला था जो इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया था। रिजल्ट आया था कि जो इसका Q3 का था। स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों, स्टैंड अलोन में आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो है LIC का, माफ कीजिए PFC का टोटल रेवेन्यू में 7.6% का जंप देखने को मिला था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते 781.9% हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते 12.8% हुआ था। EBITDA जहां पे 12.9% का जंप देखने को मिला था, नेट प्रॉफिट 26.2% का हुआ था। तो अच्छा खासा इसने Q3 का रिजल्ट पोस्ट किया था और अभी जैसे कि Q4 का भी रिजल्ट आ रहा है, तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट कर सकता है पीएफसी। फिलहाल शेयर आप देख सकते हैं यहां पे एक बुलिश लेवल बना रहा है, पीएफसी के शेयर में एक बुलिश लेवल बनता हुआ दिख रहा है। RSI इंडिकेटर जो यहाँ पे कह रहा है कि पीएफसी का जो शेयर है भाई ना कि ओवरबोर्ड जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में है। MACD इंडिकेटर यहाँ पे कह रहा है कि पीएफसी का जो शेयर है एक बेयरिश लेवल बना रहा है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर पीएफसी के स्टॉक में आप देख सकते हैं जो इसने लो प्राइस बनाया है 151.40 पैसे का, हाई प्राइस दिया है 170.10 पैसे का। वही बात करते हैं यहाँ पे 1 मंथ के अंदर जो इसने एक लो प्राइस बनाया है वो है 145.40 पैसे का और जो इसने एक हाई प्राइस बनाया है वो है 170.10 पैसे का, वही इसका हाई प्राइस है। और 3 मंथ्स के अंदर जो इसने लो प्राइस बनाया है 133.10 पैसे का, हाई प्राइस बनाया है 170.60 पैसे का। तो दोस्तों 3 महीने के अंदर स्टॉक में बहुत जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो पीएफसी का शेयर है एक दिन के अंदर अगर देखते हैं BSE और NSE मिला के जो इसका एवरेज है वो है 19.6 मिलियन का यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है BSE जो BSE NSE मिला के एंड डिलीवरी परसेंटेज जो है 38.1% का है। डिलीवरी वॉल्यूम की बात करते 7.5 मिलियन का है एक वीक के अंदर, 11.7 मिलियन का जो BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है और जिसका डिलीवरी परसेंटेज है 38.5% का है। डिलीवरी वॉल्यूम जो है 4.5 मिलियन का है। 1 मंथ के अंदर 7.6 मिलियन के यहाँ पे जो है BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज जो है 39.1% का है। डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3 मिलियन का है। तो बहुत ही अच्छा खासा जो इसमें शेयर में तेजी भी बनता हुआ दिख रहा है। अभी शेयर होल्डिंग को लेकर थोड़ा यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है उनके पास 55.99% का स्टेक है। FIS जो है 16.82% का स्टेक था, तो FIS जो है पे स्टेक बढ़ा दिया। FIS को लगता है कि पीएफसी का जो शेयर है आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकता है। और वही बात करते हैं म्यूचुअल फंड जो 11.46% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने भी जो है स्टेक बढ़ा दिया, 11.62% का स्टेक कर दिया है। तो म्यूचुअल फंड को भी लगता है ये शेयर जो रिटर्न दे सकता है। बात करते दोस्तों पब्लिक के पास 9.91% का स्टेक था, पब्लिक ने स्टेक घटाया है 9.22% का स्टेक कर दिया। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.8% का स्टेक था और अदर इंस्टीट्यूशन ने जो यहां पे स्टेक बढ़ा दिया है 6.29% का कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों जो बोल सकते कि FIS है, FIS ने स्टेक बढ़ा दिया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक ने स्टेक घटाया है, अदर इंस्टीट्यूशन ने यहां पे स्टेक बढ़ा दिया है। बहुत ही बढ़िया शेयर है, अगर किसी के पास शेयर है हमें लगता है थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए। यहां पे जो एक एवरेज बुक का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है पीएफसी के शेयर में वो है 191 रुपीज का, 191
191 रुपीस का एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों एपीएफसी के शेयर में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो इसका बोल सकते कि जैसे कि बहुत सारे अपडेट्स भी बीच में हम लोग को देखने को मिला था जहाँ पे पीएफसी जो है ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे वाइब्रेंट एनर्जी में देख सकते हैं आप 2200 करोड़ का जो इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे पीएफसी जो है फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है। तो अभी इसका डिविडेंड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पीएफसी जो है एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है जहाँ पे अभी तक अगर देखते हैं तो पीएफसी जो है 33 डिविडेंस दिया है, 33 डिविडेंस दिया है और वही अगर देखते हैं 12 मंथ्स के अंदर पीएफसी ने जो है 10 रुपीस का जो है डिविडेंड दिया है दोस्तों। तो किसी के पास अगर शेयर है तो होल्ड कीजिए, अगर कोई यहाँ पे बोल सकते कि 161 के आसपास जो है शेयर अभी ये चल रहा है तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत तेजी बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आपको जो यहाँ पे पीएफसी के शेयर खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते एक बार खुद से जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।